मुस्कान चौरसिया इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने को लेकर कथित शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट करने पर पीड़ित रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा ने कहा है, देश में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने कहा, व्हाट्सएप एक दूसरे से जुड़े रहने और समाचार साझा करने का माध्यम है। सरकार को आने वाले संदेशों का स्रोत पता लगाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करने वाले रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा से मारपीट के 6 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। शर्मा की बेटी बोली, वरिष्ठ नागरिक पर हमला हुआ, पुलिस को पता होना चाहिए कि किन धाराओं में आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी हत्या की कोशिश के आरोप में होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 2.25 लाख परिवार जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। इस बार आप सभी की दिवाली, आप सभी के त्योहारों की खुशियाँ कुछ और ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा, पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार लोगों के पास जा रही है। उन्होंने कहा, अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। चयन को लेकर निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई मेन 2020 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। एनटीए ने बताया कि 24 विद्यार्थियों ने 100% हासिल किया है और शीर्ष 24 में तेलंगाना के 8 स्टूडेंट्स शामिल हैं। गौरतलब है कि 1 से 6 सितंबर तक हुई इस परीक्षा में इस साल 8.67 लाख विद्यार्थी बैठे थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 97,654 नए मामले सामने आने से शनिवार को कुल मामले बढ़कर 46,57,379 हो गई है, जिनमें से 36,21,438 लोग अभी तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। देश में इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 77,506 हो गई, जबकि 9,57,787 सक्रिय केस हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी उनके पिता के निवेदन पर दी गई है। मंत्री ने कहा, कंगना के पिता ने सुरक्षा की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कहा था कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद केंद्र को मामले से अवगत कराया गया। विमानन नियामक DGCA ने शनिवार को आदेश दिया है कि शेड्यूल पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कोई फोटोग्राफी करते हुए पकड़ा गया तो उस रूट पर फ्लाइट का शेड्यूल 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। DGCA ने कंगना रनौत की चंडीगढ़ मुंबई यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के कथित उल्लंघन के लिए इंडिगो एयरलाइंस से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को मुसीबतों की खाई में ढकेल दिया। उन्होंने ट्वीट किया, GDP में 24% की ऐतिहासिक कमी, 12 करोड़ नौकरियां गई, 15 लाख करोड़ अतिरिक्त तनावग्रस्त कर्ज, विश्व में कोविड के सर्वाधिक दैनिक केस मौतें, लेकिन भारत की सरकार व मीडिया कहे सब चंगा सी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 300 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने छोटे सीमांत किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी की घोषणा की है। गौरतलब है, ओडिशा में अगस्त में आई बाढ़ से करीब 14 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी आकिब लोन का शव मुठभेड़ के 4 दिन बाद शुक्रवार को शुकनाग नाले में मिला। प्रवक्ता के मुताबिक 7 सितंबर को सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों से हल्की मुठभेड़ के बाद आकिब ने नाले में कूदकर भागने की कोशिश की और इस दौरान एक गोली उसकी गर्दन में लगी थी। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लिवर सिरोसिस के पीड़ित थे और दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस में भर्ती कराए गए थे। वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, स्वामी अग्निवेश मानवता और सहिष्णुता के लिए एक सच्चे योद्धा थे।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 लोगों को चीन शनिवार को सौंपेगा। गौरतलब है कि इससे पहले रिजिजू ने कहा था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना द्वारा हॉटलाइन पर भेजे गए मैसेज का जवाब देते हुए इन लोगों की मौजूदगी की पुष्टि की थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने शुक्रवार को कहा कि रविवार 13 सितंबर को मेट्रो सेवाएं सभी रूटों पर सुबह 6 बजे शुरू होगी। बतौर DMRC अगले रविवार 20 सितंबर से सेवाएं 8 बजे शुरू होगी और रेगुलर टाइम टेबल ही चलेगा। दरअसल कोरोना वायरस नियमों में ढील के बाद मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से दोबारा शुरू हुई है। RJD से इस्तीफा देने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ मांगों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एक पत्र लिखा है। सिंह ने वैशाली को विश्व का प्रथम गणतंत्र बताते हुए कुमार से वहां राष्ट्र ध्वज फहराने की मांग की है। सिंह ने मनरेगा कानून से संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के लिए भी मांग की है। केंद्र मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को बताया कि वह अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने ट्वीट किया, इस समय मेरा बेटा चिराग मेरे साथ है। वह मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपना जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। उन्होंने आगे कहा, मुझे विश्वास है अपनी युवा सेवा से चिराग पार्टी व बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत में COVID-19 से रोजाना ठीक होने वाले 60% मरीज 5 राज्यों यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि रोज आ रहे नए मामलों के करीब 57% मामले भी इन्हीं 5 राज्यों से रिपोर्ट किए जाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी वाइल्ड फायर की शुरुआत पिछले शनिवार को एक कपल द्वारा आयोजित बेबी जेंडर रिवील पार्टी से हुई। दरअसल कपल ने बच्चे का जेंडर बताने के लिए एक पायरोटेक्निक डिवाइस चलाया जिसमें गुलाबी या नीला धुआं निकलता है, जिससे सूखी घास में आग लगी। अमेरिका के वाइल्ड फायर से रिकॉर्ड 25 लाख एकड़ का इलाका जल गया है। एक ड्रोन वीडियो में ओरेगन अमेरिका में वाइल्ड फायर से हुई तबाही दिख रही है। यहाँ 5 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया। वाइल्ड फायर से ओरेगन के कम 5 कस्बे नष्ट हो गए और पूरे राज्य में 9 लाख एकड़ से अधिक का इलाका जल गया। पश्चिमी अमेरिका राज्यों में करीब 100 बड़ी वाइल्ड फायर लगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने बताया कि वह द व्यू टॉक शो पर COVID-19 की वैक्सीन ऑन एयर लेंगी। शो की होस्ट जो बेहर ने कहा था, मैं वैक्सीन तब लूंगी जब इवांका लेगी। इवांका ने कहा, मैं FDA पर भरोसा करती हूँ, सभी अमेरिकियों के लिए को करना चाहिए। वायरस का खात्मा करना हमारी सामूहिक प्राथमिकता होनी चाहिए। आखिर में आज के इतिहास। आज ही के दिन 1897 में सारागढ़ी की जंग लड़ी गई थी और इस जंग में 36वें सिख बटालियन के 21 सैनिकों और 10,000 अफगान के बीच हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।